जय श्री कृष्णा दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों कार्तिक मास जिन्होंने संपूर्ण नहीं नहाया है, यानी कि पूरे कार्तिक मास वो 4 बजे उठ के नहीं स्नान कर पाए हैं। हाँ, जिन्होंने पूरा महीना कार्तिक स्नान किया है वो तो ठीक है, पर जिन लोगों ने पूरा कार्तिक महीना स्नान ना कर पाए हों तो उनके लिए बेहद ज़रूरी है कि वो कैसे पूरे कार्तिक महीने के स्नान का पुण्य 5 दिन में कार्तिक स्नान से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों अगर कार्तिक मास के लास्ट के 5 दिन अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं जो कार्तिक मास में पालन करने योग्य नियम है, तो जो फल पूरा कार्तिक मास के स्नान का है वही फल कार्तिक मास के वो आखिरी 5 दिन स्नान करने से आपको मिल जाता है। ये हम नहीं बता रहे, ये पुण्य भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को बता रहे हैं। और हाँ, जिन लोगों से पूरे महीने कार्तिक स्नान न हो पाए हों उन्हें कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन ये करना ही चाहिए। दोस्तों ये कार्तिक मास अपने आप में बहुत ही पवित्र और पुनीत है, और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी कीजिए और अपने बच्चों को भी 5 दिन के कार्तिक मास का स्नान जरूर करवाइए, क्योंकि आप हैं तभी बच्चे कर लेंगे। कल को शायद आपके बच्चे ना करें, वो समझ ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतने मॉडर्न हो जाएंगे कि उनको ये समझाना बहुत ही कठिन है। तो आप भी कीजिए और अपने बच्चों को भी सनातनी धर्म सिखाइए। तो इस कार्तिक मास के स्नान का नियम क्या है वो जान लेते हैं। दोस्तों कार्तिक मास के 5 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए, क्रोध का त्याग कर देना चाहिए। दोस्तों ये शॉर्टकट वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि वीडियो छोटी भी बने और आप सब सनातनियों तक पहुंच भी जाए। तो वो कार्तिक मास के वो 5 दिन कब से प्रारंभ होंगे, तो वो देवउठनी एकादशी से, और वो पूर्णिमा तक 5 दिन पूरे हो जाएंगे। तो देव उठनी एकादशी से पूर्णिमा तक ही आपको इन 5 दिनों का स्नान करना आवश्यक है। आप सभी जानते होंगे कि देव उठनी एकादशी 4 तारीख से ही है, तो नियम ये है कि सुबह के 4 बजे से लेकर 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए आपको, और इन 5 दिनों तक आपके घर में लहसुन प्याज यानी कि तामसिक भोजन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मांसाहारी वाली चीज़ें कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आपको खुद के खाने से पहले गाय के लिए 1 रोटी निकालकर और गाय को जरूर देना चाहिए, तभी आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। पक्षियों को दाना डालकर ही आप भोजन करें तो अति सुंदर होगा। तो इन 5 दिन में ही भीष्म पितामह ने धर्म राज युधिष्ठिर को बहुत बड़ा उपदेश सुनाया था, तो ये उपदेश 5 दिन तक ही चला था। और एक बात और दोस्तों, भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी थे ये आप तो सब जानते ही होंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कार्तिक मास के स्नान का उपदेश दिया था। और साथ ही श्री कृष्ण ने ये कहा था कि जो भी व्यक्ति पूरे कार्तिक मास का स्नान न कर पाया हो, यदि कार्तिक मास के आखिरी इन 5 दिनों में इन नियमों का पालन करेगा, जो फल पूरे कार्तिक स्नान का नहीं मिल पाया है उसे वो फल इस माह के 5 दिनों में ही मिल जाएगा। दोस्तों इन 5 दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा अवश्य करनी चाहिए, स्पेशली तुलसी आंवला और बेलपत्र इन वृक्षों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी हमारे सनातनी धर्म में बहुत ही पूजनीय है, इसलिए तुलसी के पेड़ के पास सुबह शाम घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए कार्तिक मास में, और वो घी शुद्ध देसी गाय का हो तो बहुत ही शुभकारी होगा। और हाँ, एक घी का दीपक आप घर के मंदिर में भी जला दें तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर आपके आसपास श्री कृष्ण मंदिर हो या शिव जी का मंदिर हो या राम जी का मंदिर हो तो आप एक दीपक जरूर जलाएं। और हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो यदि यमुना जी के तट पर रहते हों या गंगा जी के तट पर रहते हों तो वो वहाँ जाकर एक दीपदान जरूर करें, यानी कि उस नदी में जाकर नदी के किनारे बैठकर एक दीपक जलाकर उस दीपक को नदी में प्रवाहित जरूर करें। और जिन जिन के आसपास आध्यात्मिक नदियां हो वो अवश्य जाकर नदी में दीपदान करें, यदि हो सके तो 5 दिन भी ये कर सकते हैं, अगर नहीं संभव है तो आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन ही नदी पर जाकर दीपदान करें। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने में ही व्यक्ति को स्वर्ग निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा, जो चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग लोक में स्थान मिले वो कार्तिक स्नान जरूर करें। केवल ये आखिरी 5 दिन ही आपके जीवन के लिए बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में भी आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। धन्यवाद।